और इस समय मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिले के डेरवा क्षेत्र के केवलपुर गांव में, जहां पर आपने अभी तक देखी नहीं होगी कि उड़ने वाली कार, शायद क्या अभी तक आपने सुनी होगी कि यार कार भी उड़ती है, लेकिन नहीं, कार उड़ती नहीं, लेकिन आज आपको हम दिखाएंगे एक मोटर कार, मतलब एक गाड़ी है जो इतनी तरीके से मोटिवेट की गई है गाड़ी को कि एकदम कार की तरह, मतलब हेलीकॉप्टर की जैसे लग रही है। आज आपको वहीं हम दिखाएंगे, वही गांव में पहुंचे हैं जो प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव, प्रतापगढ़ जिले के छोटे से गांव के केवलपुर के अनिल पटेल ने कर कमाल दिखाया है, जो एक मोटर कार को हेलीकॉप्टर में बदल दिया है। और वही मौजूद हैं, हम गाँव में आते हैं, आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि इनकी सोच थी, अनिल पटेल की सोच थी कि गाँव में लोग शादी ब्याह की सोच होती है कि हम हेलीकॉप्टर से जाएँ। आपने सुना भी होगा, लोगों की तमन्ना भी होती है कि क्या शायद हम भी बारात में या शादी में हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे। वही सोच को लेकर, तमन्ने को पूरी करने की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए अनिल पटेल ने अपने ही गांव में एक कार को हेलीकॉप्टर में बदल दिया। और उसी गांव में मौजूद हैं, आपको हम दिखाएंगे, ये कार है, ये वैगनार गाड़ी है, जो अनिल पटेल ने इस गाड़ी को पूरा हेलीकॉप्टर के रूप में बदल दिया। अब शायद आपको लग भी रहा होगा कि ये हेलीकॉप्टर जैसे दिख भी रहा है, लेकिन शायद यहाँ अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि यह कार उड़ती भी है। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत बात है। हाँ, लेकिन अनिल जहाँ तक प्रयास किए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने इस कार को बदलने में अपनी मेहनत की, यहाँ तक कि अपना 2-3 महीने से अपना टाइम भी इसने व्यस्त कर दिया कि हर चीज़ में लगा दिया, अपनी इनकम भी इसमें लगा दी गई है। आपको दिखा रहे हैं, हम बात भी करेंगे अनिल पटेल से कि क्या हुआ, किस तरीके से, क्या सोच आई आपके अंदर, कैसा लगा आपको कि इस तरह का मोटिवेट किया जाए, और क्या इनकी इनकम है, क्या इस चीज़ लगा दिए खर्चा की, हम बात करेंगे अनिल पटेल से। जी अनिल पटेल जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, हमारे NIP न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आपकी क्या सोच आई कि हम किस तरीके से मोटिवेट करें इस कार को, कहाँ से लाए कार, आप क्या करना चाहते, हमें कुछ बताइए अपने दर्शकों को। कार की बात की जाए तो कार हम दिल्ली की कार है, लेकिन दिल्ली से हमने नहीं खरीदा, ये लालगंज जिले से हमने खरीदा है, कि बगल में लालगंज नजारा, तो उधर से एक आदमी खरीदा था, तो ये बेच रहा था, तो हमें पता लगा, हमें बनवाना था, उससे संपर्क किया और गया, उससे खरीद कर ले आया। तो हमने यूट्यूब पर वीडियो देखा था, एक हेलीकॉप्टर मॉडल बना हुआ था, तो हमें अच्छा लगा, तो हमने उसी का रूप, सेम टू सेम उसी का रूप हमने दे दिया इसको बनाने के लिए, और उसी तरह बन भी गया है। जैसे क्या सोच के बनाया अनिल जी ये कार को हेलीकॉप्टर बनाए, मतलब तरीका क्या था, मतलब बातें आगे की ख्वाहिश क्या थी, किस तरह से बनाए इसको? हम ये दो लाइट में ज़्यादातर जैसे शादी विवाह में चलता है, पहले सिंहासन चलता था, तो अब रोड लाइट चलेगा ये वाला, मतलब आपके अंदर सोच जागी कि गांव में जो लोगों की ख्वाहिश होती है कि हेलीकॉप्टर से हम बारात जाएं लेकर, आप वो ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कार को पूरा हेलीकॉप्टर बदल दिए, क्योंकि गांव के लोग गरीब लोग होते हैं जो हेलीकॉप्टर में उड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमने हेलीकॉप्टर उड़ तो नहीं सकते, लेकिन इस पर महसूस कर सकते हैं कि हेलीकॉप्टर से हम बारात जा रहे हैं। कब से बना रहे थे इसको जी? लगभग 3-4 महीने से इसमें लगा था, तो जाते हुए बना। कितनी इनकम लगा दी है आप इसमें? इनकम की बात की जाए तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपये इसमें खर्च हो गए। क्या करते हैं आप? करते हम खेती बाड़ी थोड़ा बहुत करते हैं, और चौराहे पर एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, वहीं पर अपना काम करते हैं। कितनी बजट लगाने के लिए 2 से 3 लाख रुपये बजट लगा दिए, कहाँ से पैसा इंतजाम, कैसे, क्या सोच लगाए थे, क्या पैसा लगा रहे हैं, कहीं से हमारी मदद मिलेगी, या कैसे, क्या सहयोग हुआ, यहाँ ग्राम प्रधान आप यहाँ छोटे से गांव से हैं, क्या है ग्राम प्रधान भी होते हैं, यहाँ के विधायक भी होते हैं, जो क्या आपको कोई सहयोग साथी या कुछ कैसे मदद की? नहीं, अभी हमारे कोई मदद नहीं किया, हमने इसको इस उद्देश्य से बनाया था कि हमारे पास और कोई रोजगार नहीं था, हमारे पास एक रोड लाइट था जिसका पुराना मॉडल हो चुका है, अब वो रोड लाइट ज़्यादा आदमी को नहीं पसंद आता है, अब नहीं चलाता है, तो हमारा धंधा मतलब डाउन हो चुका था एकदम से, अब मतलब और धंधा को बढ़ाने के लिए हमने बिजनेस इसलिए इसको बनाया कि हमारा नया मॉडल आएगा तो लोग पसंद करेंगे और बुक करेंगे तो 4 पैसा हम भी कमाएंगे। अनिल पटेल की जी सोच थी कि गांव में हेलीकॉप्टर से लोग बारात जाएं, यही सोच के इन्होंने अपनी पूरी 2 से 3 लाख रुपए इनकम इसमें लगा दी, और इनकी ख्वाहिश थी कि लोग इसी तरीके से हम लगाएंगे तो हो सके हमारे गांव के लोग भी, लोगों के अंदर तमन्नाएं जागेंगी और शायद वह भी अपने हेलीकॉप्टर से बारात जाएंगे, यही सोच के इसमें 2 से 3 लाख रुपये इनकम लगा दी। और शायद हम बात करें अनिल जी, ये हेलीकॉप्टर ये फैन भी चलता है इसमें? हम आपको दिखा रहे हैं, फैन चलता है, सेम हेलीकॉप्टर जैसे फैन लगा दिए हैं, और आपको दिखाएंगे हम, ये गाड़ी है ये,
ये पूरा एकदम जैसे व्हाइट और रेड हो, जैसे हेलीकॉप्टर में कलर होता है, सेम वही कलर हमारे कलर। ये कलर कहाँ से लाए आप हेलीकॉप्टर को? अनिल जी क्या सोचिए यार, कलर हमने जैसे हेलीकॉप्टर में देखा था कि कलर ऐसा होता है, अगर दूसरा कलर मिल जाता है तो ये कलर होता है। ये छोटा सा एयर फैन भी लगा है, जो एयर फैन होता है हेलीकॉप्टर में। ये देखिए इंडिकेटर भी लगा है। कितने अजीब तरीके, कितने मतलब कितने दिमाग से अनिल जी ने हेलीकॉप्टर कार को हेलीकॉप्टर में बदल दिया। शायद अगर इन्हें और अगर कोई आर्थिक मदद मिल जाए या कोई कहीं से मदद मिल जाए तो शायद इनकी भी तमन्ना है कि हम और कुछ आगे इस हेलीकॉप्टर को शायद उड़ने वाली जहाज बना सकते हैं। क्यों अनिल जी, क्या यही आपकी सोच है? आप इसको उड़ने वाली बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन अच्छा उसके उड़ने के लिए क्या बजट आ सकती है? तो कभी सोचे हैं या दिमाग में लाए थे कि इतना पैसा आएगा तो हम इसको उड़ा भी सकते हैं? देखो नया सिस्टम बनाने में कोई बजट का मोल नहीं होता है कितना पैसा लग जाए, क्योंकि इसमें नया चीज़ एक्सपायरिमेंट करने में बहुत से सारे चीज़ लेकर आओ, काम नहीं करता, ख़राब हो जाता है। कहाँ तक पढ़े हैं अनिल जी आप? इंटर तक पढ़े हैं। इंटर तक पढ़ने वाले अनिल जी ने कार को हेलीकॉप्टर में बदल दिया। शायद यही समझ अगर सब गांव वाले को, बहुत एक से एक गांव में तरक्की हो जाओ, विकास